हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपको पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है आपकी, जो आपकी साइंस में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। देखिए आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है ना, तो आपके लिए टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, और तैयारी करने के लिए बहुत सारा, तो देखिए जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है पादप हार्मोन का। ठीक है, पादप हार्मोन और पादप ऊतक का दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, दोनों अथवा में आते हैं। ये बिल्कुल हर साल आते हैं, हर पेपर में आते हैं। आप पुराने जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस के पेपर उठा देख लीजिए, पादप हार्मोन वाला और पादप ऊतक वाला एक क्वेश्चन आपको आता ही है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसमें सभी पादप हार्मोन बताए गए हैं, उनके उपयोग बताए गए हैं, उनके खोजकर्ता बताए गए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान से सुनिए। जब आपका क्वेश्चन आता है पादप हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन की टॉपिक पर, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। पूछ लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है, पूछ लेंगे जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग लिखिए, एक वाक्य में उत्तर देना होता है। ठीक है, पूछ लेंगे ऑक्सिन हार्मोन के पांच उपयोग लिखो, पांच नंबर में दे देंगे या बोल देंगे जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसके कारण लिखो, चार कारण लिखो, चार नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, पादप हार्मोन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आपका टॉपिक क्लियर किए, बल्कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही, तो उसके हिसाब से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है पादप हार्मोन का। इसके बाद जस्ट बाद में एक और वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें इसमें पादप हार्मोन, इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको पादप ऊतक के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसको जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लीजिए, तो आप अच्छे से आप अपनी परीक्षा में एक आंसर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, वो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछ लेगा। ठीक है, या फिर तीन या चार नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन के मुख्य कार्य लिखो, जिब्रेलिन के मुख्य कार्य लिखो। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो देखिए मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। देखिए जो हमारे पादप हार्मोन होते हैं ना, वो पाँच होते हैं। सबसे पहली तो बात, अगर पूछ लिया कि पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, पाँच। एक एक क्वेश्चन हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी पूछा जा सकता है, खाली स्थान में पूछ लेगा, विकल्प में पूछ लेगा, जोड़ी में, मतलब कहीं भी पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना चाहिए पांच होते हैं पादप हार्मोन। पहला है आपका जिब्रेलिन। ठीक है, मतलब पहला है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है जिब्रेलिन, इस प्रकार से आपका साइटोकाइनिन, एथिलीन, इस प्रकार से होते हैं आपके। ठीक है, और ए बी ए, तो इस प्रकार से पाँच आपके पादप हार्मोन होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तो देखते जाइए, जो आपका पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीजन। इसकी खोज किसने की थी, डार्विन ने की थी 1880 में। ठीक है, तो एक हो गया। इसके बाद देखिए इसके जो मुख्य कार्य हैं ऑक्सीजन के, वो देख लीजिए आप, तने की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन हार्मोन है वो क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ लेगा वो आपको कि तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखो, पूछ लेगा ना, तो ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी, आप इसको पढ़ लेंगे ना अच्छे से, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के कार्य देख लीजिए, पहला तने की वृद्धि में सहायक होता है, दूसरा देख लीजिए यह पत्तियों का बिलगन रोकता है, पत्तियों का बिलगन रोकता है। ठीक है, मतलब उनको गिरने से रोकता है, आप मतलब उनको गलने से रोकता है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए यह फलों को गिरने से रोकता है, जो अब फल लगे होते ना पेड़ों में, उसको क्या करता है, फलों को क्या करता है, फलों को गिरने से रोकता है। छोटे छोटे फल होते हैं तो वो गिरने लगते हैं पेड़ पेड़ से, कभी होता है ना कि हो सकता है कि मतलब जो हमारी पानी की कमी या किसी और मतलब जो अन्य पदार्थ होते हैं उनकी कमियों की वजह से क्या होते हैं, हमारे पेड़ों से क्या होते हैं, फल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये फलों को गिरने से रोकता है। और चौथा देखिए, यह कोशिका दीर्घन में मदद करता है, मतलब कोशिकाओं की वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑक्सीजन के कारण। इसके बाद दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। इसको देख लीजिए आप, जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, कुरुसोवा ने की थी 1926 में। ठीक है, इसके कार्य देख लीजिए, पहला है यह फूल बनाने में मदद करता है, दूसरा यह बौने पौधे को लंबा करता है, जो पौधा छोटा रह जाता है, बढ़ नहीं पाता, तो जिब्रेलिन हार्मोन अगर उसमें मान लो जिब्रेलिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो वो पेड़ क्या है, ऑटोमेटिक क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है, मतलब बौना पौधा जो छोटा रह जाता है वो भी लंबाई पकड़ने लगता है। ठीक है, तीसरा देखिए, यह बीजों की सुप्तावस्था भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। देखिए जब हम बीज डालते हैं, मान लो जमीन में जब हम बीज डालते हैं तो वो क्या होता है, कुछ होते हैं कुछ कुछ बीज उनमें मतलब वो अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन हार्मोन अगर उसमें उपस्थित हो जाएगा, मतलब है ना किसी भी टाइम, तो क्या होगा, वो बीज है ना वो अंकुरित होकर और बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये उसकी मतलब जो बीज है उसकी सुप्तावस्था को भंग करके क्या करता है, अंकुरित करता है। इसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा पादप हार्मोन है वो है हमारा क्या,
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी 1955 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह मुख्य रूप से कोशिका विभाजन की दर को तीव्र करता है। कोशिका विभाजन की दर को तीव्र करेगा तो सीधी सी बात है, अब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो पौधे की वृद्धि होगी। अब वृद्धि सभी प्रकार से होगी, उसकी मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, हर प्रकार से वृद्धि होगी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए हमारा जो चौथा है वो है एथिलीन। अब देखिए एथिलीन की खोज किसने की थी? एथिलीन की खोज की थी बर्ग ने 1962 में, ठीक है। इसके बाद हम इसके उपयोग देख लेते हैं। देखिए तो देखिए हम उसके एथिलीन के मुख्य कारण देख लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा है यह फल को पकाने वाला हार्मोन है। जो एथिलीन होता है वो बेसिकली फल को पकाने का काम करता है, ठीक है। जो तो यह क्या है? फल को पकाने वाला हार्मोन है। इसके बाद दूसरा देखिए, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है तथा नर पुष्पों के विकास का कार्य करता है, ठीक है। ये मादा पुष्पों की संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है तथा नर पुष्पों के विकास का काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या है देखिए, लेकिन जो आजकल जो हमारे कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाया जा रहा है ना, तो उसमें हमारे एथिलीन का प्रयोग ना करके वो एक रसायन का प्रयोग करते हैं, जिस रसायन को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है ना, लेकिन जो वर्तमान जो कृत्रिम तरीके से जो फलों को पकाते हैं ना, तो वो इसी का उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का, जो कि नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा पांचवा जो हमारा हार्मोन है वो है हमारा क्या? एब्सिसिक अम्ल, उसको हम ABA भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी खोज करता है कार्न्स एंड एडिकोट 1961 से 1965, ठीक है। तो ये है क्या है इनकी खोज का सन और इनकी खोज करता, ठीक है। ये देखिए मुख्य कार्य क्या है एब्सिसिक अम्ल के? पहला है सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो। देखिए ये जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र को बंद कर देता है ताकि बाष्पोत्सर्जन ना हो, मतलब पानी जब सूखा पड़ेगा ना तो पेड़ों में जितना पानी है कम से कम वो तो बच जाए, तो ये रंध्रों को बंद कर देगा ताकि जो अंदर का पानी बाहर ना आ सके बाष्प के रूप में, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन बंद हो जाएगा, रंध्रों को बंद कर देगा तो बाष्पोत्सर्जन बंद हो जाएगा, तो सूखे की स्थिति में भी पेड़ पौधे क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, ठीक है, हरे भरे रहेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, फलों के पकने पर वृक्षों से नीचे गिरने पर नियंत्रण पाने के लिए ABA का छिड़काव किया जाता है। तो देखिए इसके उपयोग है, तो जो भी मैंने आपको पांच यहाँ पे आपको मैंने आपको क्या बताए हैं, यहाँ पे आपको हार्मोन बताए हैं पादप हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते ही आते ही, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे क्वेश्चन, या तो आपको तीन नंबर या चार नंबर में पूछ लेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा और साथ में आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9th 10th साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।